दिखलाई अभी? हाँ भैया। अच्छा, तो भर्ती करने के लिए भाई 3 दिन से तो घूम रहे यार, ड्यूटी कहीं मिल नहीं रही है। ड्यूटी जहाँ अच्छी मिल गई वहीं लग जानी है। हाँ यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ देखो यहाँ देखते हैं भर्ती हो। भर्ती कितने हैं अभी लड़के? 50 लड़कों का रिक्वायरमेंट है। लड़का लड़की दोनों? हाँ दोनों। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो जी गाइस, फाइनली हम आज आए हुए हैं आपको सेक्टर के 88 में। जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ना, यानी कि प्रावेंस टच फोन कंपनी है। और बात करते हैं ये कंपनी में नहीं हायरिंग चल रहा है, भर्ती चल रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पैमाने में यहाँ पे लड़का लड़की दोनों यहाँ पे मौजूद हैं जो इस कंपनी में आए हुए हैं भर्ती के लिए। और जस्ट हम बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पैमाने पे यहाँ पे लड़का जो और लड़की दोनों ही मौजूद है जो इस कंपनी में हायरिंग के लिए आए हुए थे। और बात करते हैं जो ये कंपनी में जो वर्क क्या होता है, आपका क्वालिफिकेशन कौन कौन इसमें आ सकते हैं, लड़का क्या लड़की दोनों ही इसमें आ सकते हैं, अभी हम A to Z बात करने वाले हैं। और हाँ, अभी वीडियो को स्टार्ट करने से आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी उन्हें भी मिल पाए, जॉब मिल पाए। तो बगैर देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। ले रहे हैं जो यहाँ पर हायरिंग ले रहे हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे तो इसमें कौन लड़के इसमें आ सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चलिए इनसे हम बात करेंगे। तो इसमें लड़का लड़की दोनों के बीच में हायरिंग चल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी पैमाने पर लड़के आए हुए हैं जो जॉब हायरिंग के लिए। और बात करते हैं जो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी आपका यानी कि RO कंपनी है ना, दम जस्ट उसके पास में ही कंपनी है। और इसमें जो काम यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करती है यानी कि वाईफाई इस कंपनी बनाती है। और इसमें बहुत भारी पैमाने पर लड़के और लड़कियाँ दोनों की इसमें भी हायरिंग चल रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आए हुए जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे भी हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन इसमें लड़के आ सकते हैं और उनका क्वालिफिकेशन यानी क्या होना चाहिए, चलिए वीडियो के साथ साथ बने रह सकते हैं। ये कंपनी देख रहे हैं, यही कंपनी है आपका, जो प्लॉट नंबर का B54 है और ये आपका सेक्टर में 88 में है। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पैमाने पर लड़के लड़की दोनों यहाँ पे मौजूद है, हायरिंग के लिए आए हुए थे। और बात करते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सर मौजूद है, चलिए भी इनसे बात करते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी पैमाने पर लड़के आए हुए थे। अभी भर्ती के लिए भैया? हाँ भैया। अच्छा, तो भर्ती करने के लिए भाई 3 दिन से तो घूम रहे यार, ड्यूटी कहीं मिल नहीं रही है। भर्ती चल तो रहा है इसमें, अब इसमें देखेंगे पूछेंगे भाई क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, आधार कार्ड से होगी नहीं होगी देखेंगे। इसलिए तो सही बता रहे हैं, और बाकी कंपनी में चाहिए बैठ के काम करना है। ओ तो कंपनी में बैठने का काम कर रहा है पर मार्कशीट मांग रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई देखना पड़ेगा ना, आधार कार्ड से भर्ती है मार्कशीट से भर्ती है, पूछना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास? देख है वो सब चीज़ें। अच्छा, फिर भर्ती हो जाए कोई दिक्कत नहीं? तब पूछेंगे तो जब तो भाई। अच्छा है, कहाँ कराने वाले? कुलेश्वर आगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और देख सकते भैया मौजूद थे, और बात करते चलिए अभी हम इनसे भी बात करते हैं जो इसमें जॉब के लिए आए थे। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? ब्रजेश। आप भी भर्ती लिए थे? आप भी, हम भी भर्ती के लिए। अच्छा, आप कहाँ से भी? अलीगढ़ के। अलीगढ़ से कब भर्ती ले लिया? अभी अभी कहाँ लिया है? अच्छा, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं अभी तो। अच्छा, भर्ती नहीं होना अभी? अभी होना है भर्ती, ड्यूटी जहाँ अच्छी मिल गई वहीं लग जानी है। हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ देखो यहाँ देखते हैं भर्ती। फॉर्म दे रखे क्या? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, हेल्पर ही में डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी पैमाने पर देखते हैं जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, सब हायरिंग के लिए आए थे, भर्ती के लिए आए थे। जैसे अभी हम जस्ट हम कंपनी के गेट पे मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ भैया मौजूद है और यहाँ पे ये यहाँ पे हायरिंग ले रहे हैं, भर्ती ले रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे और भी जो कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है जो हायरिंग के लिए आए हैं, भर्ती के लिए आए हैं। और चलिए भैया पे मौजूद है, चलिए बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? सोनू सिंह चौहान। अच्छा अच्छा, बात करते हैं आप अभी हायरिंग ले रहे हैं जी। अच्छा, अभी मान लीजिए कितने लड़के को भर्ती है? अभी भर्ती कितने अभी लड़के? 50 लड़कों का रिक्वायरमेंट है। लड़का लड़की दोनों? हाँ दोनों। इसमें बात करते हैं, इसमें वर्क क्या करते हैं काम? वाईफाई के कंपोनेंट बनते हैं, डाटा केबल। हाँ, बात करते हैं इसमें कौन कौन इसमें पढ़ाई लिखाई के ले रहे हैं, जैसे हाई स्कूल नॉर्मल मार्क्स? अच्छा, खाली हाई स्कूल वाले बस। दूसरा जो क्लास कर रखे हैं वो नहीं ले सकते? नहीं, उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेते हैं वो भी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट जिसका होता है उस हिसाब से। हाई स्कूल वाले के लिए हाई स्कूल क्या दे रहे हैं? 10,648 रुपये है 8 घंटे का, 26 दिन का, 8 घंटे का है इसमें। हाँ, 2 घंटा ओटी पर डे ओटी सैलरी अकॉर्डिंग जी। ओटी क्या, सिंगल है या डबल? सैलरी के हिसाब से। कैंटीन वगैरह भी है? कैंटीन नहीं है, चाय वगैरह मिलती है, बाकी वैसे कैंटीन नहीं है। अच्छा, ये बात करते हैं इसमें, ये जो इसमें लोकल का भी कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई भी आ सकता है। हाँ हाँ, कोई लड़का लड़की दोनों? हाँ हाँ, लड़का लड़की दोनों। इसमें जो बात करते हैं इसमें जो एज लिमिट का भी कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 30 लास्ट थी। अच्छा, लड़का दुनिया से? दोनों, लड़का लेडीज दोनों सबका है। ठीक है भैया, देख सकते हैं भैया मौजूद थे। बाकी कैसे कॉन्टेक्ट कैसे कर पाएंगे आपसे?
आपसे कॉन्टेक्ट नंबर 9958517734। देख सकते हैं सर मौजूद थे और बात करते हैं आपका, ये कंपनी में हायरिंग दे रहे हैं, भर्ती दे रहे हैं। बाकी जो भी सर का नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से इनका कॉल नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं काफी वीडियो आपको अच्छा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, आई होप नए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं कल किसी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक।